में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। सबसे पहले जगत सेवा, दूसरा पहचान, पहचान किसी का मैंने बोलो खुद की पहचान। मैंने पहले सुनाया था, फिर सुनाता हूं। एक लड़का, एक सेठ, उसको किसी ने बता दिया कि जंगल में जो महात्मा रहते हैं ठाकुर जी प्रतिदिन उनको मिलने आते हैं, प्रतिदिन ठाकुर जी उस महात्मा को मिलने आते हैं। अब जैसे सेठ को पता चला, सेठ जी ने बहुत से सूखे मेवे शर्फियां ली और महात्मा जी के पास चले गए। थोड़ा पैसे का घमंड था, महात्मा जी के पास गए, सूखे मेवे फ्रूट शर्फियां रखी, अरे महाराज छोटी सी भेंट लेकर आया हूं, महाराज एक छोटा सा काम था। बोलो बेटा। अरे महाराज मैंने सुना है ठाकुर जी आपको प्रतिदिन मिलने आते हैं, मैंने सुना है कन्हैया आपको प्रतिदिन मिलने आते हैं। महात्मा बोले बिल्कुल सही सुना है भाई, आते हैं, डेली आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। अरे महाराज एक छोटा सा काम कर दीजिए। बोलो बेटा। महाराज आज जब ठाकुर जी आपको मिलने आए उन्हें मेरे घर का पता दे देना, उन्हें मेरा पता दे देना, मुझे भी मिलने। महात्मा बोले बिल्कुल भाई तेरा पता दे दूंगा, ला तेरा पता दे, अपना पता बता मैं तेरा पता दे दूंगा। महात्मा ने इधर उधर हाथ लिया, पॉकेट में से कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड, और सेठ ने कार्ड निकाला और महात्मा जी को दे दिया। लो महाराज ये मेरा एड्रेस है। अरे महात्मा जी ने कार्ड को देखा और कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारे घर का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस दो, तुम्हारा पता कहाँ है। अरे महाराज जी मेरा, दूसरी पॉकेट में हाथ डाला, एक और कार्ड निकाला, वो भी महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने फिर कार्ड देखा, अरे 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 ये तो तुम्हारे फैक्ट्री का कारखाने का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। अरे महाराज दोनों ही मेरे हैं। अरे नहीं भाई, जब तू पैदा नहीं हुआ था, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था इस जगह का एड्रेस तब भी यही था, और जब तू मर जाएगा इस जगह का एड्रेस तब भी यही है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है। अरे महाराज मेरा एड्रेस, बस यही तो कमी है, जिस दिन तुझे तेरा एड्रेस समझ में आ जाएगा उस दिन ठाकुर जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद दौड़े चले आएंगे। खुद की पहचान, दूसरा क्या कर रहा है ये हम अच्छे से जानते हैं, दूसरा क्या गलत कर रहा है ये अच्छे से जानते हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा। दूसरे की गलती तो हम न्यायाधीश फैसला सुना देते हैं, खुद की गलती तो एडवोकेट वकील बनते हैं। ऐसा क्यों? पहचान सेवा जगत की, पहचान खुद की, और प्रीत भगवान से। भगवान से प्रीत कैसी चाहिए? एक छोटी जाति का, उस समय जिस समय जाति पाति का माहौल था, एक छोटी जाति का लड़का दासिया ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था, जगन्नाथ जी से, लेकिन उस समय शायद छोटी जाति के लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। वैसे मैं नहीं मानता छोटी बड़ी जाति को, जो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आज तो मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम बहुत था लड़के को, उस लड़के का नाम था दासिया। भगवान से प्रीत होती है तो क्या होता है, देखो
लड़के का नाम था दासिया। बस प्रतिदिन बाहर से ही जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करता और सोचता कभी एक ना एक दिन मुलाकात होगी, कभी ना कभी एक दिन आपको जरूर देखूंगा। कैसी प्रीत, एक दिन बाग में गया, बाग में जाकर अच्छे अच्छे खूबसूरत मीठे मीठे आम तोड़कर लेकर आया और खाकर देख रहा है बिल्ली की तरह, मीठे हैं मीठे, एक पूरी की पूरी टोकरी बना ली मीठे आम की। अरे जगन्नाथ जी को मीठे आम, मैं तो नहीं जाऊंगा, किसी को बोल दूंगा अंदर ले जाएंगे। ले गया, मंदिर की बाहर खड़ा है, क्या देखा पंडित जी आ रहे हैं, पुजारी जी। पुजारी जी कहने लगा महाराज ये प्रसाद आप मंदिर में ले जाओ जगन्नाथ जी के लिए। पंडित जी, अरे तू छोटी जाति का पीछे हो, मुझे मत छूना, और आम वो भी तेरे हाथ के, यहां तक कि तूने झूठे भी कर रखे हैं। ये मंदिर के अंदर जाना तो दूर की बात, ये तो मंदिर के बाहर भी बुरी बात है, ले जा इसको। अब लड़के की आंखों में आंसू आने लगे, प्रभु बहुत प्रेम से लेकर आया था, पंडित जी वहां पर खड़े कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं उस लड़के को। इधर एक काम उठाया टोकरी से दासिया ने और प्रार्थना करने लगा भगवान से, क्या देखा, अभी हाथ में आम उठाई था, प्रार्थना कर रहा था, हाथ से आम गायब हो गया। बोलो श्री राधे। एक एक करके आम उठा रहा है और आम गायब होते जा रहे हैं। उधर पंडित जी देख रहे हैं, अब ये कौन सा जादू कर रहा है। पंडित जी भला बुरा बोलते हुए अंदर में चले गए मंदिर में। रात्रि का समय हुआ, पट बंद हुए, भगवान के लिए प्रसाद रखे गए। अगले दिन सुबह जैसे ही पट खुले तो जो भगवान के प्रसाद जैसे रखे हुए थे वैसे रखे हुए हैं, एक भी प्रसाद नहीं लगा हुआ आज। अरे प्रभु क्या गलती हो गई। सभी पुजारी प्रार्थना कर रहे हैं क्या गलती हो गई, वो पंडित जी भी जो कल बोल रहे थे। चलो प्रसाद उठाया गया, जैसे ही उस जगह को वस्त्र से साफ कर रहे तो क्या देखा, प्रभु के विग्रह के पीछे जितने वो आम बाहर रखे हुए थे सबकी गुठली पड़ी हुई थी। जो आम कल दासिया के हाथ में थे सबकी गुठली प्रभु के विग्रह के पास पड़ी हुई थी। अब पुजारी जी उनको समझते देर नहीं लगी, ये आम कोई और नहीं, ये ठाकुर जी दासिया के आम खाकर पेट भर लिया, आज भक्तों का प्रसाद खाया ही नहीं। ऐसे ऐसी प्रीत, लेकिन ये प्रेरणा भी भगवान की तरफ से ही आती है, बिना भगवान की प्रेरणा से तो अच्छे संस्कार। और आज हमारा एक ही लक्ष्य है विश्व प्रेम मिशन परिवार का कि सबका प्रेम हो, लेकिन ये ना तो मैं अकेला कर सकता हूं ना विश्व प्रेम मिशन परिवार अकेला कर सकता है, इसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है कि प्रभु सबका प्रेम हो। कभी भी कितनी मुश्किल आए लेकिन हमारा मन डोलना नहीं चाहिए। आइए एक प्रार्थना करते हैं प्रभु से। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसा रस रस ना विच होवे कड़वा कदे भी बोले ना, ऐसा रस रस ना विच होवे कड़वा कदे भी बोले ना।
ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे बिडो लेना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे बिडो लेना। हरि वो देखना रोवा दुखिया देख दुखी दिल होवा। अपना दुख देखना रोवा दुखिया देख दुखी दिल होवा। अपना दुख देखना रोवा दुखिया देख दुखी दिल होवा। अपना दुख देखना रोवा दुखिया देख दुखी दिल होवा। करके दूजे दा नुकसान कदे सुख अपना हटो लेना। ओ करके दूजे दा नुकसान कदे सुख अपना टो लेना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे बिडो लेना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे बिडो लेना। हरि वो अपराध क्षमा करावे दुखिया दे दुख दर्द मिटावे। पर अपराध क्षमा करावे दुखिया दे दुख दर्द मिटावे। पर अपराध क्षमा करावे दुखिया दे दुख दर्द मिटावे। पर अपराध क्षमा करावे दुखिया दे दुख दर्द मिटावे। हाथ विच फड़ इंसाफ दी तकड़ी थोड़ा कदे बितो लेना। हाथ विच फड़े इंसाफ दी तकड़ी थोड़ा कदे भी तो लेना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डो लेना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डो लेना। अरे वो कष्ट सहारे हर दम तेरा शुक्र गुजारे। अपनी जान ते कष्ट सहारे हर दम तेरा शुक्र गुजारे। अपनी जान ते कष्ट सहारे हर दम तेरा शुक्र गुजारे। अपनी जान ते कष्ट सहारे हर दम तेरा शुक्र गुजारे। तैनू छड़ के किसे दे द्वारे दुखड़ा जाके फोले ना। ओ तैनू छड़ के किसे दे द्वारे दुखड़ा जाके फोले ना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे बिडो लेना। ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे बिडो लेना। हरि वो शाबाश। Thank you.
तेरे ते विश्वास होवा कदे बिना निराश, ओ रखा तेरे ते विश्वास होवा कदे बिना निराश, रखा तेरे ते विश्वास होवा कदे बिना निराश, ओ रखा तेरे ते विश्वास होवा कदे बिना निराश। पल्ले बन के सबर दा लाल किसे था जाके खोले ना, ओ पल्ले बन के सबर दा लाल किसे था जाके खोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसा रस रसना विच होवे कड़वा कदे भी बोले ना, ऐसा रस रसना विच होवे कड़वा कदे भी बोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा भगवान मेरा मन कदे भी डोले ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। के प्रभु ऐसा बल दीजिए, कितनी मुश्किल आए लेकिन डोलने नहीं चाहिए, ये मन कभी डोलना नहीं चाहिए। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज आप जो राम नाम जपते हो आपका राम नाम दूसरों के काम भी आ जाता है, और जो हम राम नाम जपते हैं हमारा राम नाम हमारे काम भी नहीं आता। बड़ा अच्छा सवाल है। महात्मा से किसी ने पूछा जो आप प्रभु का नाम जपते हो आपका जपा हुआ नाम दूसरे के काम भी आ जाता है, आप दूसरे को आशीर्वाद दे देते हो उनका भी काम बन जाता है, हम जो खुद राम नाम जपते हैं हमारा तो हमारे काम ही नहीं आता। महात्मा मुस्कुराने लगे, कहने लगे एक खेत में बीज बोया, पहले खेत को जोता जाता है उसके बाद बीज बोते हैं, धीरे धीरे फसल बड़ी हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, लहराती हुई फसल हुई, लेकिन जैसे ही फसल बड़ी हुई तो उसके बीच में हमने दो पशु छोड़ दिए, उसके बीच में हमने खेत में पशु छोड़ दिए, तो क्या होगा फसल का बताओ, क्या होगा? पशु भी ऐसे जो जड़ तक फसल को नष्ट करके वापस आएंगे। कहते महाराज इसका मतलब, महात्मा कहने लगे आप लोग राम नाम का बीज बोते हो, नाम जपते हो, फसल जैसे ही बड़ी होने वाली है आप लोग कामनाओं के पशु बीच में छोड़ देते हो, इच्छाओं के कामनाओं के, जैसे ये कामनाओं के पशु जाते हैं फसल का नाश कर देते हैं। अगर बिना स्वार्थ के, इसमें कोई स्वार्थ ना हो वो राम नाम जपा जाए। बहुत से लोगों का मानना है संतान होना जरूरी है, संतान के साथ नाम रोशन होता है। बहुत से लोग कहते हैं संतान से नाम रोशन होता है। मैं उनसे पूछता हूं कि मीराबाई का नाम कौन सी संतान ने रोशन किया, नरसिंह मेहता का नाम कौन सी संतान ने रोशन किया, ध्यानु भगत का नाम कौन सी संतान ने रोशन किया, बताओगे? किसी ने नहीं। प्रभु के प्रेम से नाम रोशन हुआ। तुम्हारे भोजन खाने से तुम्हारी भूख मरने वाली है, मेरी नहीं। बच्चे अच्छे कर्म करेंगे मैं मानता हूं आपका नाम रोशन होगा, लेकिन दुनिया में कब तक? जब तक आप मौजूद हो, बाद में कोई नहीं जानने वाला। लेकिन मीरा भाई तुकाराम जैसे
इनको हजारों साल हो गए, आज भी सबके हृदय में है। क्यों? प्राप्ति से कभी भी आगे नहीं आओगे, जब भी आगे आओगे तो त्याग से आगे आओगे। कितनी बड़ी प्राप्ति कर लो। आइए आज की वाणी को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्य प्रसाद आप सब लोग को पता है, आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से बिल्कुल निशुल्क सेवा है। जो नए लोग आए हैं उनको बता दूं, कोई भी प्रसाद को पीछे की पॉकेट में नहीं डालेगा और कोई प्रसाद को लेदर के पर्स में नहीं डालेगा। प्रसाद अब लेते समय, सुबह ग्रहण करते समय क्या मांगना है? एक साथ बोलो सब लोग, प्रभु सबका भला करना। अब लेते समय भी, सुबह और रात्रि को ग्रहण करते समय भी, प्रभु सबका भला करना। और जब तक सबका भला मांगते रहोगे, कभी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बड़े से बड़े रोग को दूर करेगा। कैसे? शुगर, बाईपास सर्जरी, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हुई। क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। जब तक स्वार्थ नहीं है, तब तक जी हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करेगा। और जिस दिन किसी का स्वार्थ आ गया, जब स्वार्थ आ गया तो जी कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है? संस्थान की निस्वार्थ सेवा और आप लोगों के भाव और ठाकुर जी की कृपा। बस मांगना है प्रभु सबका भला करना, किसी भी रूप में किसी की सेवा। संस्थान में प्रेमधाम में एक संस्था चल रही है, नरसेवा नारायण सेवा, जिसमें 100 से अधिक परिवार आप सबके सहयोग से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और 100 से अधिक बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, शिक्षाहीन थे, क्यों? आर्थिक कमजोरी की वजह से। आप सबके सहयोग से आज वो बच्चे लगभग पिछले 1.5-2 साल से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं। राधे राधे भक्तजनों, आज है हम श्री प्रेम धाम आश्रम, जहाँ की खास बात है दिव्य प्रसाद। दिव्य प्रसाद जिसने ना सिर्फ लोगों की डायलिसिस बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ भी दूर की हैं। इस दिव्य प्रसाद की खास बात यह है कि ये श्री प्रेम धाम आश्रम में निःशुल्क मिलता है। इसकी शुद्धता पे खास ध्यान दिया जाता है। दिव्य प्रसाद के साथ साथ गुरु जी के प्रवचनों का भी लोगों पे बहुत ही असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि उनके जीवन में गुरु जी के प्रवचनों और दिव्य प्रसाद का क्या असर हुआ है। प्रसाद के सेवन के बाद हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। जैसे मेरे पिताजी, वो मांस मछली खाया करते थे, पर जब से उन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया है, प्रसाद को ग्रहण करना शुरू किया, उन्होंने बिल्कुल भी छोड़ दिया। अब हमारे घर में ना तो ये चीज़ें आती हैं, ना बनती हैं, ना कोई खाता है। जैसे कि मुझे कान बहुत महसूस होती थी, शरीर में दर्द रहती थी, वो बहुत हद तक ठीक है। मुझे मेरा बच्चा मेरे से बोलता नहीं था, लेकिन वो बच्चा आज मेरे से नज़र मिलाता है। मुझे इतना मुझे कुछ आया है फर्क, और भी मैं गुरु से मिली नहीं। मैं दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाता था, करीब में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से दवा खाता था, लेकिन अब दवाइयाँ मेरी घट करके बस एक आधी रह गई है, बाकी अब कुछ नहीं बचा है। मुझे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी जी। और उसको मैंने लगातार लिया जी। वन मंथ के बाद वो ठीक हो गया। एक तो अपना माइंड पॉजिटिव रहता वा, नेगेटिविटी जमा नहीं आती, मेडिसिन की लोड़ नहीं पैंदी। एक दिव्य प्रसाद नाल आपां ठीक रहने हैं। एक्चुअली मेरे मदर को डॉक्टर ने बोला था कि उनकी हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन हम यहाँ पे आए, उन्होंने एक वीक खाया, उसके बाद वो खुद चलना शुरू हो गए। मुझे शुगर थी जी। वो अब ठीक लगती है। काफ़ी कुछ सुधर गया है, कैसे काम काज भी अच्छा हो गया है और अपनी बॉडी में भी अच्छा हुआ है। तो मैं अपने दिमाग के लिए लेके जाता हूँ, उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ा है उनको जी। उनको किडनी किडनियाँ खराब थी उन्होंने, तो वो चल फिर नहीं सकते थे, हूँ अपने आप सब कुछ चलते फिरते हैं।
सबसे पहले तो मेरे पास एक मकान भी नहीं था और मेरे पास साइकिल भी नहीं था। आज मेरे पास दो दो गाड़ी है और इतना बड़ा मकान है कि मैं सोच भी नहीं सकता। दिव्या प्रसाद के नाल जो मेरी हार्ट बीट की प्रॉब्लम सी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत बदलाव आ रहे हैं राजे, बहुत मैं ठीक हो रही हूँ। मेरी हालत ठीक नहीं रहती थी जी, अभी 3-4 दिन हुए हैं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगी। 3 साल हो गए, कभी सोई नहीं थी, बहुत डॉक्टरी इलाज कराया, बहुत मैंने मतलब बाबे के पास लेके गए, चौकियाँ लेके गए, फिर ये हमें पता लगा, हम जहाँ पहले एतबार आए ना तो उसी रात को मेरे को ऐसे लगा भाई मेरी थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं सो जाती हूँ रात को, मेरे को कुछ नहीं होता। ऐसे मैडम शरीर यानी कि मेरे यहाँ पे पेन रहता था हमेशा ही जी, किडनी में जैसे स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो अब ठीक हो गई है बिल्कुल। बहुत बदलाव आया ये काम के लिए, पहले काम नहीं चलता था, अब तो काम भी चल रहा है। बीमारी दुख क्लेश और झगड़ा रहता था घर पे जी। वो सब सही हो गए यहाँ पे आने से। बस मेरे जीवन में मानसिक रोग से तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया है, जो मुझे दो प्रॉब्लम थी वो मेरी ठीक हो गई है। कई दवाई छूट गई है, बीपी की दवाई छूट गई है, मेरे पेशाब की प्रॉब्लम थी वो छूट गई है जी। और भी कई प्रॉब्लम थी, रात को नींद कम आती थी, भूख कम लगती थी। मेरे पैर में बहुत जलन थी, शुगर ब्लड प्रेशर था जी। हाँ तो पैर वाला जलन आज थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है। बहुत असर हुआ है, घर में परिवार सब ठीक खुशहाल है, शांति है, कारोबार भी चल रहा है, तो हमारी सेहत वो भी सब ठीक है अभी। हमें शुगर बहुत ज़्यादा रहती थी जी। वो अब पहले 350 थी जी। अब 120 रहती है, अब बीपी भी कम हो गया। मैं अपनी मिसेज के लिए लेकर जाता हूँ, उनकी किडनी खराब थी जी। पहले तो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे प्रसाद खा रही हैं उसके बाद यानी कि काफ़ी कम हो गई हैं, जैसे कि जितनी थी उससे काफ़ी कम हो गई है, इसलिए मेरे को बहुत फायदा हुआ है जी। तो मैं तो गुरुदेव का बहुत दास हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरे घर में सब सुख शांति, सब कुछ ठीक है। तो ये थे कुछ भक्तजन जिनसे बातचीत के दौरान पता चला है कि गुरु जी के प्रवचनों ने और दिव्य प्रसाद के कारण उनकी बीमारियां दूर हुई हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हुई है, उनके घर में पॉजिटिविटी आई है। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851810008।